आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गिव एन अकाउंट ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ हायलाइन कार्टिलेज एंड डीकैल्सिफाइड बोन। तो यहाँ पे हिस्टोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करने बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हायलाइन कार्टिलेज होता है, हायलाइन कार्टिलेज ऐसे कार्टिलेज या फिर सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स बेसिकली पाए जाते हैं कहाँ पे, तो विद इन द, हम कह सकते हैं कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो वर्टिब्री होते हैं, और ये वर्टिब्री के अंदर ये एक चीज फॉर्म करते हैं जो कि बेसिकली उनको मूव करने में हेल्प करता है। और अगर इनके हिस्टोलॉजी देखें तो ये पेल येलो कलर के दिखते हैं, जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट जो कि कार्टिलेज फॉर्म करते हैं। वहीं पे अगर डीकैल्सिफाइड बोन का बात करें, यानी जिस बोन में कैल्शियम जो है वो लो होता है, तो यहाँ पे लो अमाउंट ऑफ, हम कह सकते हैं कि जो बोन होते हैं या फिर बोन का सेल पाया जाता है, वो बोन का सेल जो है वो पर्टिकुलरली जिसे हम लोग ऑस्टियोसाइट के नाम से जानते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोसाइट्स बहुत लो दिखाई देते हैं, और साथ ही में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसका कलर जो है वो एकदम प्रोमिनेंट व्हाइट होता है, जो कि बोन के कलर होता है। तो यही हो जाता है हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स जो कि इन दोनों के देखे जा सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।